हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग डीजीएमएस के फर्स्ट क्लास मैजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑल फॉर्म्स फॉर माइंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017, माइंस रूल्स 1955, माइंस रेस्क्यू रूल 1985 और MBTR यानी माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966 के अकॉर्डिंग कौन कौन से न्यू फॉर्म्स हैं और कौन कौन से जो फॉर्म्स हैं वो चेंजेस हुए हैं और जो रिसेंट जो अपडेट है फॉर्म्स का वो क्या है। ये वीडियो ना सिर्फ आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा, बल्कि अगर आप ओवरमैन या सरदार एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं तो उसमें भी ये फॉर्म आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे माइनिंग टेक्निकल लैब पे ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक वीक सेल चल रहा है, जिसके तहत अगर आप कोई भी कोर्स 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच खरीदते हैं, चाहे वो कोल माइंस रेगुलेशन का कोर्स हो, मेगा क्रैश कोर्स हो जिसमें माइंस एक्ट रूल्स एटसेट्रा इंक्लूडेड हैं, या फिर जो सब्जेक्ट के जो कोर्सेस हैं, तो ना सिर्फ आपको यहाँ पे 26% ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग रिपब्लिक 26 कूपन कोड, बल्कि इसके साथ आप एक्साइटिंग गिफ्ट भी जीत सकते हैं, जैसे कि अमेजोन की तरफ से ₹500 का गिफ्ट कार्ड, डिस्कवरी प्लस की तरफ से फ्लैट ₹100 ऑफ, बुक वैगन्स की तरफ से 10% ऑफ एटसेट्रा। तो आपको परचेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक व्हील कार्ट दिखाई देगा जिसको आपको रोटेट करना है, जिस पर ये पॉइंट आउट करेगा तो उस पर आप उस चीज का ऑफर अवेल कर सकते हैं, उसका आप गिफ्ट पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोल माइंस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कितने फॉर्म्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल माइंस रेगुलेशन का फॉर्म 1A के बारे में। फॉर्म 1A डिनोट करता है नोटिस ऑफ ओपनिंग का फॉर्म, ठीक है, यानी कोई भी खदान जब खोलना होगा तो खदान खोलने से पहले जो चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर IBM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो हम लोग नोटिस देते हैं, तो वो जो नोटिस है वो फॉर्म 1A में ही दिया जाएगा। और अगर किसी कारणवश कोई खदान है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और उसे आपको दोबारा रीओपन करना है, तो उसके लिए जो फॉर्म होगी वो होगी फॉर्म 1B। 1B में क्या है? नोटिस ऑफ रीओपनिंग। इसी तरह बात करते हैं 1C। फॉर्म 1C में है नोटिस ऑफ क्लोजर और अबैंडनमेंट। अगर आपको अबैंडन करना है किसी माइंस में, ठीक है, माइंस को अबैंडन करना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है? 1C। और अगर किसी माइंस को आपको डिसकंटिन्यू करना है फॉर मोर देन 60 डेज, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म 1D। और बात करते हैं नोटिस ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ माइन, यानी खदान के अगर नाम में परिवर्तन होता है तो उसके लिए नोटिस किस फॉर्म में दिया जाएगा, तो वो होगा फॉर्म 2A। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम लोग फॉर्म 2B के बारे में, तो ये बताता है कि जब भी किसी माइंस का ऑनरशिप बदलता है तो उसके लिए जो हम लोग नोटिस देते हैं ना, वो नोटिस होगा फॉर्म 2B में। और अगर किसी माइंस का जो एजेंट है, मैनेजर है या ओनर है, उनका एड्रेस बदलता है, तो उसके लिए जो नोटिस हम लोग भेजते हैं वो होगा फॉर्म 2C। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्म 2D के बारे में, तो ये बताता है कि अगर किसी खदान का एजेंट, मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर एटसेट्रा, असिस्टेंट मैनेजर भी इंक्लूड है, अपॉइंटमेंट होती है उनकी, तो इसके लिए भी जो नोटिस है वो फॉर्म 2D में भेजी जाएगी। और अगर इनका टर्मिनेशन होता है, रिजिग्नेशन होता है, डिसमिसल होता है, तो उस केस में कौन सा फॉर्म में हमको नोटिस भेजना है? फॉर्म 2E, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसे बताया गया है कि फॉर्म 3, ठीक है, फॉर्म 3 में क्या है? एनुअल रिटर्न्स है। जो भी माइंस का जो एनुअल रिटर्न होगा वो कौन से फॉर्म में भेजा जाएगा? फॉर्म 3 में भेजा जाएगा। बात करते हैं कुछ एक्सीडेंट के नोटिस की, तो जो एक्सीडेंट का नोटिस है वो यहाँ पे रेगुलेशन में यहाँ पे 3 फॉर्म है, फॉर्म 4A, फॉर्म 4B एंड फॉर्म 4C। 4A किस लिए है? फॉर्म 4A है किसी खदान में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सीरियस बॉडी इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई डेंजरस अकरेंस हो जाता है जिसके बारे में रेगुलेशन नंबर 8 में बताया गया है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि 24 घंटे के भीतर आपको एक्सीडेंट का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, जो रिलेवेंट अथॉरिटीज होती है उनको। अगर बात करते हैं फॉर्म 4B की, तो ये जो नोटिस है सिर्फ उन पर्सन के बारे में नोटिस में लिखा जाता है, डिटेल भेजा जाता है जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर जिनको सीरियस बॉडिली इंजरी हुई है। और ये जो हम लोग फॉर्म 4B भेजते हैं वो 7 दिन के अंदर भेजते हैं चीफ इंस्पेक्टर को। सिमिलरली अगर बात करते हैं फॉर्म 4C के बारे में, तो ये फॉर्म भेजते हैं तब जब कोई ऐसी एक्सीडेंट में इंजर्ड पर्सन रिकवरी करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो ड्यूटी ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर फॉर्म 4C में इसकी एक पूरी डिटेल जो है वो चीफ इंस्पेक्टर को भेजते हैं, तो वो कौन से फॉर्म में होगा? वो फॉर्म होगा फॉर्म 4C। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं फॉर्म 5 के बारे में, तो ये जो फॉर्म 5 है इसमें बेसिकली हम लोग नोटिस देते हैं डिजीज के बारे में,
ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, रीजनल इंस्पेक्टर को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन को, ये सब जो है उनको भेजते हैं नोटिस ऑफ डिजीज की। अगर किसी खदान में कोई पर्सन है वो नोटिफाइड डिजीज में से किसी भी बीमारी से जकड़ जाता है तो उसके बारे में हम लोग नोटिस भेजते हैं। ये नोटिस कौन से फॉर्म में भेजेंगे? फॉर्म 5 में भेजेंगे। सिमिलरली फॉर्म 6 में क्या है? नोटिस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, यानी अगर कोई चीफ इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्टर खदान में आता है इंस्पेक्शन के दौरान उनको लगता है कि कोई नियम कानून का उल्लंघन हुआ है तो वो जो उल्लंघन है वो फॉर्म 6 में दर्ज करते हैं, ठीक है। और अभी आप बात करते हैं हम लोग क्या फॉर्म 7 में, तो फॉर्म 7 बताया है कि चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, यानी जो इनकमिंग मैनेजर, यानी अगर किसी माइंस में मैनेजर की अपॉइंटमेंट हुई है तो जो पुराना वाला जो मैनेजर है, ठीक है, पुराना वाला मैनेजर क्या देगा? चार्ज रिपोर्ट देगा इनकमिंग मैनेजर को जो भी आ रहा है। तो ये जो चार्ज रिपोर्ट देगा मैनेजर को, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में है? वो फॉर्म 7 में है। तो ये हुआ कोल माइंस रेगुलेशन के संबंध में जितने भी फॉर्म्स थे जो अपडेटेड हैं वो सारे के सारे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं माइन रूल्स 1955 के अधीन जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म ए। देखिए फॉर्म ए में बदलाव हुआ है। फॉर्म ए अब क्या बताएगा? नोटिस रिगार्डिंग वर्कआउट तो बताएगा ही बताएगा जो पहले बताता था, साथ ही साथ आपको डिटेल्स ऑफ एवरी इम्प्लॉय भी बताएगा जो फॉर्म बी में हुआ करता था, यानी जो फॉर्म बी हुआ करता था, ठीक है, जिसमें पहले डिटेल्स ऑफ एवरी इम्प्लॉय था वो अब फॉर्म बी में नहीं होगा। फॉर्म बी में, फॉर्म ए में क्या होगा? डिटेल्स ऑफ एवरी इम्प्लॉय होगा। फॉर्म बी में तब क्या होगा? फॉर्म बी में होगा रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम, यानी ओवर टाइम का रजिस्टर कौन सा फॉर्म में? फॉर्म बी में। यानी ए में दो फॉर्म हो गए, ठीक है, फॉर्म ए में दो चीज है ना, क्या देना है? नोटिस ऑफ रिगार्डिंग वर्क आवर, ठीक है, काम के घंटों का जो नोटिस है वो तो रहेगा ही रहेगा फॉर्म ए में, साथ ही साथ हर इम्प्लॉयज की डिटेल्स भी रहेगी फॉर्म ए में, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर की, तो अभी तीनों तरह के इम्प्लॉयज के लिए एक ही रजिस्टर रखी गई है फॉर्म डी, चाहे वो अंडरग्राउंड का इम्प्लॉय हो, चाहे वो सरफेस का इम्प्लॉय हो, चाहे वो ओपन कास्ट वर्किंग का इम्प्लॉय हो, सभी के लिए अब अटेंडेंस का जो रजिस्टर होगा वो फॉर्म डी के अनुसार ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फॉर्म ई के बारे में। देखिए फॉर्म ई में तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला, इसमें कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट भी का जो हिसाब किताब है उसको भी रखा जाएगा। कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट क्या है? जैसे कि आपको पता है कि वीकली डे ऑफ रेस्ट मिलता है, यानी संडे ऑफ रहता है मैक्सिमम माइंस के केस में, किसी किसी में बुधवार को भी रेस्ट होता है। तो अगर कोई पर्सन वीक में 6 दिन से ज़्यादा यानी 7 दिन अगर काम करता है तो उसके बदले क्या, उसको बदली रेस्ट का दिन दिया जाता है। तो उसका जो हिसाब किताब होगा वो किस में रखना है? फॉर्म ई में रखना है। इसके अलावा जो अर्न लीव है यानी एनुअल लीव विद वेजेस है उसका जो काउंटिंग करेंगे वो कौन से फॉर्म में करेंगे? ई फॉर्म में करेंगे। और साथ ही साथ कौन कौन पर्सन का कितना ईएल का पेमेंट हो चुका है वो भी कहाँ हिसाब किताब रखेंगे? फॉर्म ई में ही रखेंगे। तो ये हुआ फॉर्म ई तक। अभी हम लोग बात करते हैं फॉर्म जे के और फॉर्म एल, ठीक है। फॉर्म जे और के एक्सीडेंट से रिलेटेड है। फॉर्म जे क्या है? यह है रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, यानी जो रिपोर्टेबल इंजुरीज हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में जो हम लोग चीफ इंस्पेक्टर को एक पूरा कंपाइल करके रिटर्न भेजते हैं वो किसमें भेजना है? फॉर्म जे में भेजना है। और माइनर एक्सीडेंट की बात की जाए, माइनर इंजुरी के बारे में बात की जाए तो किसमें भरना है? वो भरना है फॉर्म के में। बात करते हैं फॉर्म मेल की। तो फॉर्म मेल क्या है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्न लीव, यानी जो ईएल का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग फॉर्म एल में रखते हैं। फॉर्म एल में हम लोग चिपका के नोटिस बोर्ड में चिपकाते हैं। फॉर्म एल क्या था याद कीजिए, अगर आप माइंस रूल पढ़े तो उसमें बताया गया है कि 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी हर साल खदान का जो जितने भी इम्प्लॉयज हैं उनका कितना ईएल जो है पिछले कैलेंडर ईयर में हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग नोटिस बोर्ड में चिपकाते थे। तो वो फॉर्म एल में ही हम लोग क्या है वो सारा डिटेल डालेंगे। आगे बढ़ते हैं फॉर्म एम, एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, एस तक जो फॉर्म्स जो होगा ना वो सब के सब क्या है? पीएमई और आईएमई से है, ठीक है, पीएमई, पीएमई एंड आईएमई से रिलेटेड। कहाँ से कहाँ तक फॉर्म है? फॉर्म एम से लेके फॉर्म एस तक। एम में क्या है? एम में है कि आईएमई यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन की नोटिस, ठीक है, किसी कारणवश अगर फर्स्ट नोटिस में अगर कोई पर्सन आईएमई या पीएमई के लिए नहीं जा पाता है तो उसके लिए क्या देते हैं? सेकेंड और फाइनल नोटिस देते हैं फॉर्म एन में, ठीक है। और रिपोर्ट किस में मिलती है आईएमई पीएमई की? वो मिलती है फॉर्म ओ में। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की कि पीएमई का जो जांच होगा वो किसका स्टैंडर्ड्स किस में बताया गया है? तो वो आपको बताया गया है फॉर्म पी में, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ पीएमई। अगर बात करते हैं आईएमई का स्टैंडर्ड्स किस में बताया गया है तो वो बताया गया है फॉर्म पी1 में।
बात करते हैं फॉर्म क्यू की, तो फॉर्म क्यू में क्या है, मेडिकल री एग्जामिनेशन का नोटिस, ठीक है, यहाँ पे मेडिकल री एग्जामिनेशन, ठीक है, और वो जो था नोटिस ऑफ फॉर्म एम और एन में क्या था, नोटिस ऑफ आईएमई एंड पीएमई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म क्यू है उसमें री एग्जामिनेशन के लिए, यानी आपका एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन हुआ है, आईएमई पीएमई हुआ है, और आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि आपका जो जाँच हुआ है वो गलत किया, आपको अनफिट जानबूझ के घोषित कर दिया गया है, आपको लगता है कि आप फिट है, तो इसके लिए जो आप एपिलेट मेडिकल बोर्ड पे आप जाके अपील करते हैं कि मेरा मेडिकल री एग्जामिनेशन हो, तो उसका नोटिस है, ठीक है, जो उसका नोटिस जो आपको मिलेगा ना वो फॉर्म क्यू में मिलेगा, और इसका जो सेकेंड एंड फाइनल नोटिस मिलेगा वो आपको फॉर्म आर में मिलेगा, और इसका जो रिपोर्ट होगा वो किस में मिलेगा, फॉर्म एस में मिलेगा। साथ ही साथ जो एनुअल रिपोर्ट है पूरा आईएमई और पीएमई की, ठीक है, वो पूरा साल भर की जो आईएमई पीएमई की जो रिपोर्ट होती है वो फॉर्म टी में भेजते हैं। तो ये हुआ माइंस रूल के सभी फॉर्म्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं, सॉरी लास्ट बचा हुआ है फॉर्म यू। फॉर्म यू में है इंस्पेक्शन ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, यानी वर्कमैन इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, तो वो जो सारे इंस्पेक्शन का जो डिटेल है ना, रिपोर्ट जो है वो फॉर्म यू में भरेगा। तो ये हुआ आज का पूरा माइंस रूल 1955 का सभी फॉर्म्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं माइन रेस्क्यू रूल 1985 के अधीन कितने फॉर्म्स हैं और उनके उसके क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे दो ही फॉर्म है, फॉर्म वन है और फॉर्म टू है। फॉर्म वन बेसिकली बताता है अपॉइंटमेंट और रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है त्याग पत्र, रेजिग्नेशन, डिसमिसल। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। तो अगर माइंस रेस्क्यू स्टेशन की सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति होती है या उनका रिलिंक्विशमेंट होता है, यानी त्याग पत्र देते हैं, डिसमिसल होता है या टर्मिनेट हो जाता है उनका ड्यूटी, तो उसका जो नोटिस होता है ना चीफ इंस्पेक्टर जो भेजते हैं वो फॉर्म वन में भेजेंगे। और अगर किसी कारणवश रेस्क्यू ऑपरेटर्स के कारण कोई एक्सीडेंट हो जाता है खदान में या फिर रेस्क्यू स्टेशन में या रेस्क्यू रूम में, तो उसके लिए जो फॉर्म हम लोग में भेजते हैं नोटिस वो कौन सा फॉर्म है, फॉर्म टू, ठीक है, एज फार एज माइंस रेस्क्यू रूल 1985 इज कंसर्न। यानी रेस्क्यू एपरेटस के यूज के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जो नोटिस है वो फॉर्म टू में भेजते हैं, और अपॉइंटमेंट होना है या टर्मिनेशन होना है, यानी इसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट सुपरिटेंडेंट का, तो वो किस में भेजेंगे, फॉर्म वन में भेजेंगे। तो ये हुआ माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का कंप्लीट फॉर्म। अभी हम लोग बात करेंगे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स जो होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग छूट गया है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966 के बारे में, कितने फॉर्म्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे दो ही फॉर्म है, फॉर्म ए और फॉर्म बी, दोनों के दोनों सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। फॉर्म ए में कौन सा सर्टिफिकेट है, ये देखिए, ये जो सर्टिफिकेट होता है ना वो वैसे इंप्लॉय को दिया जाता है जो ट्रेनिंग किए हुए हैं माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो जो इम्प्लॉयमेंट होना है उनका, यानी जो इम्प्लॉय है वो कहाँ के हैं, सरफेस के हैं या फिर किसी ओपन कास्ट वर्किंग के हैं या फिर किसी बिलो ग्राउंड माइंस के हैं, वो भी नॉन गैसी माइंस के, तो उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग मिलेगा ना, ठीक है, तो वो जो फॉर्म ए में मिलेगा, ठीक है। यानी फॉर्म ए में कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो वैसे इंप्लॉयज को मिलेगा जो कि सरफेस में इंप्लॉयड है, ओपन कास्ट वर्किंग में इंप्लॉयड है या फिर किसी बिलो ग्राउंड नॉन गैसी माइंस में इंप्लॉयड है, तो उनका जो ट्रेनिंग होगा, उनका जो सर्टिफिकेट होगा, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, वो फॉर्म ए में मिलेगा। वही बात करते हैं हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग की, यानी अगर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है या फिर स्पेशल कैटेगरी ऑफ जो वर्कर हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है कौन से फॉर्म में दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा फॉर्म बी में। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन ऑल फॉर्म्स रिलेटेड टू CMR, माइंस रेस्क्यू रूल, माइंस रूल, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स एटसेट्रा। तो बस आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड जानकारियाँ मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।